हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिंक चैनल। आज हम डिज़ाइनर बैक नेक पैटर्न बनाएंगे, जिसको आप ब्लाउज़ के पीछे, लहंगा चोली ब्लाउज या कुर्ते के पीछे बनाइए, बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की, जिससे आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो अपने आप ही पहुँच जाएँ। इसके लिए हम पहले ये मेज़रमेंट देखेंगे। देखिए, ये मेज़रमेंट है, मैं पूरे ब्लाउज़ की लंबाई है या फुल लेंथ है 14 इंच, और गले की चौड़ाई है या नेक विथ है 2.75 इंच, गले की नेक लंबाई या नेक लेंथ है 10 इंच। इसको आप अपने चॉइस से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुड्डे की चौड़ाई या शोल्डर विथ 12 इंच, इसको हमने हाफ किया हुआ है तो गया 6 इंच, और शोल्डर स्लोप या कंधा ढलान हमने हाफ इंच लिया हुआ है। मुड्डे की लंबाई या शोल्डर लेंथ 7 इंच, चेस्ट विथ या सीने की चौड़ाई इस ब्लाउज की 38 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करके फिर उसमें 2 इंच सिलाई के लिए लेंगे। देखिए, इस तरीके से 38 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 इंच, उसमें 2 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है तो टोटल हो गया है 11.5 इंच। इसी तरीके कमर की चौड़ाई या वेस्ट विड्थ के लिए भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें 2 इंच सिलाई के लिए लेंगे तो 34 इंच में हमने 4 से डिवाइड किया है तो 8.5 या 8.5 में 2 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है तो हो गया है 10.5 या 10.5 इंच। चलिए, अब इसको हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारी कपड़े पे काटना आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करते हैं। हमने गले की चौड़ाई 2.75 इंच ली हुई है। देखिए, 2.75 इंच, तो हम पहले गले की चौड़ाई लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हमने पूरे में 2.75 इंच पर निशान लगा लिए। हमारे पूरे ब्लाउज़ की लंबाई है 14, पर ऊपर नीचे सिलाई के लिए आधा आधा इंच लेंगे तो अब हम इसमें 15 इंच या 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम पहले पूरे में 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इनको आपस में जोड़ दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से लाइन बनाकर इनको आपस में डॉट्स को जोड़ दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसमें गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने गले की लंबाई हमने 10 इंच लिए, ये अपने आप चॉइस के ऊपर आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम ये देखिए 10 इंच या 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसमें स्केल से पॉइंट्स को मिला देंगे, एक बॉक्स सा बन जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इनको स्केल से मिला देंगे इस तरीके। ये देखिए, अब हम इसमें कंधे की चौड़ाई लगाएंगे। कंधे की चौड़ाई हमारी 3 इंच है, इसमें आधा इंच सिलाई के लिए भी है तो हम 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से, और कंधे का ढलान या कंधे की स्लोप के लिए हमने आधा इंच ऊपर निशान लगा दिया है। ये देखिए, इस तरीके से अब इसकी लंबाई लेंगे शोल्डर की, इसमें 7 इंच पर निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, ऊपर से आधा इंच छोड़ने के बाद हमने 7 इंच पर निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से अब इसको भी हम स्केल से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लीजिए यहाँ तक, इसमें भी ऊपर भी निशान लगा लाइन बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसमें चेस्ट पर निशान लगाएंगे। चेस्ट एरिया है 9.5, और फिर इसमें 2 इंच सिलाई के लिए भी लेंगे। इस ब्लाउज़ का चेस्ट है 38 इंच, इसको हमने 4 से डिवाइड किया था तो 9.5 आया। इसमें 2 इंच हम सिलाई की मार्जिन के लिए ले रहे हैं। देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से हम कमर पे भी निशान लगा रहे हैं। वेस्ट है 8.5, इसमें 2 इंच हम सिलाई के लिए भी मार्जिन लेंगे। ये देखिए, 8.5 पर और 2 इंच हमने सिलाई के मार्जिन के लिए लिए हुए हैं। अब इनको भी हम आपस में स्केल से लाइंस को मिला रहे हैं। देखिए, इस तरीके से मिला लिया है। अब मुड्ढे में गुलाई लगाने के लिए हमने इसमें
डेढ़ इंच का लिया हुआ निशान, ये देखिए कॉर्नर पर मैं डेढ़ इंच पर निशान लगाया है इस तरीके से। अब इसमें हम एक गोलाई बनाएंगे मुड्ढे में, देखिए इस तरीके से। ये जो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने इसमें एक गोलाई लगा दी है, ये देखिए इस तरीके से। अब इस पॉइंट से और ये ऊपर वाले पॉइंट तक इसमें भी एक अच्छी सी डिज़ाइन के साथ से लाइन गोलाई लगा रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने गोलाई लगा दी है। इसके बाद हम गले के पास से यहाँ से शुरू करेंगे, कर्व ऐसा बनाते हुए गोलाई, और फिर इस तरीके से पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और नीचे वाली लाइन के लिए हम इसमें एक इंच पर पहले वेस्ट लाइन पर निशान लगा रहे हैं नीचे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इससे इसको मिलाते हुए एक अच्छा सा कर्व देंगे इस तरीके से, गोलाई देते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन का पैटर्न तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। ये वाला हिस्सा हमारा एक होगा और ऊपर नीचे जो कटेंगे वो दो दो पीस निकलेंगे। चलिए इसको अब काट देते हैं। ये देखिए ये हमारा साइड का सिलाई मार्जिन है, इसको भी साथ में काट लिया है, और मुड्ढे की गोलाई लगाते हुए पूरी कटिंग को हम काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसको आप बनाइए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अब और पैटर्न भी काटते हैं। ये देखिए हम इस डिज़ाइन से काटेंगे, ये जो बीच वाला है इसका एक ही पार्ट मिलेगा हमें, ये देखिए बुड्ढे से भी इस तरह से भी निकाल देते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पूरे पीस बन गएंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके हमें खोलने पर पांच पीस मिलेंगे, देखिए इस तरीके से। इसको कपड़े और लाइनिंग पर रख करके हम इसकी कटिंग करेंगे, देखिए हमने कपड़े और लाइनिंग पर रख कर इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए इस तरीके से पाँचों पीसों की। अंदर से सारे पीस आपस में सीधे हैं, ये देखिए पहले इसको देखते हैं हम। ये देखिए अंदर से जब इसको खोलेंगे तो दोनों पीस अंदर से सीधे हैं, ये राइट साइड है, और इधर से हमने आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी लेंगे, इसमें भी सेम इसी तरीके से दोनों अंदर की साइड सीधा होगा, और सिलाई के लिए हमने इधर से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ, इधर से यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे दोनों पीस पर। ये देखिए इधर से हमने ये अंदर से सीधे हैं दोनों कपड़े, ये राइट साइड है। अब बीच वाले पैटर्न पे आते हैं, ये देखिए ये वाला। इसके लिए अभी हमने इस साइड से एक इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें सिलाई के लिए अंदर डालना पड़ेगा इस कपड़े को। ये देखिए करीब एक या जितना भी एक या डेढ़ इंच आपको लगता है एक्स्ट्रा कपड़ा तो ले लीजिए। ये देखिए ऊपर से हमने आधा इंच लिया है, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे भी सिलाई नहीं लगाएंगे, केवल हम ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे जहाँ पे गले में है। ये देखिए अंदर से दोनों कपड़े आपस में सीधे हैं, राइट हैं दोनों, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके इस पैटर्न में भी हमने लिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से अंदर से ये दोनों कपड़े सीधे हैं, ये देखिए सीधे कपड़े हैं दोनों। इधर से हमने आधा इंच लिया हुआ है सिलाई के लिए, ये हमारा एक्स्ट्रा दो इंच कपड़ा, इधर भी कपड़ा लिया हुआ है, इधर से हम सिलाई लगाएंगे जो हमने आधा इंच लिया है। इसी से तरीके से इस साइड में भी जहाँ पे सिलाई लगाते हैं वहाँ पे सिर्फ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये देखिए ये हमारा सिलाई का दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये देखिए इस तरीके से। चलिए अब इसमें सिलाई लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न पर लगा कर दिखाते हैं आपको, हमारा ये हिस्सा है, हमने यहाँ पर आधा इंच कपड़ा लिया था, अब यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अंदर से दोनों कपड़े सीधे होंगे जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे तो सीधी तरफ से कपड़े हमारे निकलेंगे, ये देखिए। इसी तरीके सारे पैटर्न को हम पहले सिल ले रहे हैं, फिर इनको जहाँ पे गोलाई होगी फिर वहाँ पे छोटे छोटे कर्व्स के निशान लगाएंगे जिससे कि पलटने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए आप इधर से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर भी, जो हमने इधर से हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बस इधर ही साइड सिलाई लगाएंगे और तीनों साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे हम गोलाई करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। अब लास्ट इन कपड़ों में भी हम सिलाई लगा देंगे इधर साइड से, इनमें भी हमने आधा इंच कपड़ा इधर से सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। आप जहाँ जहाँ पर
गोलाई होगी वहाँ पर छोटे छोटे कर्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये गोलाई है, यहाँ पर हम इसमें कर्स लगाएंगे जिससे कि पलटने के टाइम जब इसको सीधा करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए सारे में हम कर्स लगा रहे हैं, अब इनको हम पलट के सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको पलटते हैं। अब इसी तरीके के सारे पैटर्न को हम पांचों पीस हैं उनको भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब इस पेपर पैटर्न को रख करके इस पर हम पहले चौक से मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरे में चौक से मार्क कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि हमें एक बेस मिल जाता है। इसमें भी हम बीच का निशान या मिडिल पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। फिर पूरे साइड साइड के पैटर्न को रख करके इस पर अच्छी तरीके से डिज़ाइन को सेट करें। इस बीच वाली लाइन के दोनों साइड में हमने एक एक इंच लिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। फिर अब इस पैटर्न को इस पर इस तरीके से रखेंगे जहाँ जहाँ निशान लगाए हुए थे। ये देखिए अच्छे से अरेंज कर लीजिए पहले। ये देखिए पूरे में हमने अरेंज कर लिए हैं। यहाँ पूरे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच है, उसी पर रख करके हमने अच्छे से कर लिया। फिर पिन से इसको सेट कर लीजिए जिससे कि सिलने के टाइम हमें इसमें आसानी होगी। ये देखिए इस तरीके से, या तो आप इसमें पहले एक सिलाई लगा लीजिए फिर उसके ऊपर गोल्डन लेस लगाइए। हमने साथ में ही गोल्डन लेस लगाई हुई है, आप चाहे तो पहले सिलाई करिए फिर उसके ऊपर फिर से एक बार गोल्डन लेस लगाने के लिए सिलाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पहले पूरे पैटर्न को हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपने आप ही मिल जाएंगे। ये देखिए हमने नेक पर लेस लगा दी है इस तरीके से। पूरे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच, पहले पूरे में अच्छे से देख लीजिए, बीच में भी 2 इंच है, इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अब हम इसको पहले इसमें सिलाई लगाएं और इसके ऊपर गोल्डन लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, चलिए इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। सब तरफ हम इसमें गोल्डन लेस लगाएंगे। ये देखिए हमने सब तरफ इसमें इससे सिलाई मशीन से गोल्डन लेस लगा दी। हमारा ये ब्लाउज़ पैटर्न तैयार हो गया है। इसको आप अपने लहंगा चोली ब्लाउज़ कुर्ते के पीछे या ब्लाउज़ के पीछे बनाइए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाता है। चलिए हम आपको पूरा ब्लाउज़ दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके के और वीडियोज़ बन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।